सो है फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज और कमाल की वीडियो लेकर आगे हमको, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं। तो दोस्तों वीडियो वायरल होने के पीछे दोस्तों थंबनेल का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों जब आप लोग थंबनेल ही अट्रैक्टिव बनाएंगे तो दोस्तों कोई भी दोस्तों आपके वीडियो पे क्लिक कर देगा। सो दोस्तों ऐसे में दोस्तों क्या आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं, HD थंबनेल कैसे बनाएं, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को एक ऐप की जरूरत पड़ेगा जो कि दोस्तों है पिक्सल लैब। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकती हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम मनीष और आप लोग देख रहे हो मनू फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे ऐसे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें। यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो चलेगा इस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन में। दोस्तों आप लोगों को एक ऐप का जरूरत पड़ेगा, दोस्तों उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के जरूर से डाउनलोड कर लेना। सो दोस्तों जैसे ही आप लोग ओपन करें तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप इमेज पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप लोग कुछ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फ्रॉम गैलरी पे जा करके भी आप लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसे करने के बाद आप लोग सीधा अपने गैलरी में आ जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैंने अपना एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज में जा कर के दोस्तों आप लोगों को यहाँ से YouTube थंबनेल पे जा कर के इसको ओके कर लेना है। सो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से दोस्तों आप लोगों को अगर कोई फ़ोटो वगैरह लगाना है तो यहाँ से इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। इम्पोर्ट पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आप लोग कुछ पिक वगैरह यहाँ लगा सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ से आप लोग कुछ इस तरह से दें। दोस्तों यहाँ से आप लोग को इसके आप लोग इस पिक के आप शेडो को ऑन कर सकते हो। शेडो ऑन करने से दोस्तों ये जो पिक है वो बहुत अच्छे दिखते हैं। दोस्तों यहाँ आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आप लोग टैग्स लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप लोग टैग्स लिख सकते हैं। दोस्तों अपने वीडियो में आप लोग जो भी बताना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को यहाँ लिख लेना है। दोस्तों यहाँ पे आके आप लोग इसके फ़ोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे फ़ोन दिए गए हैं तो यहाँ से भी आ करके दोस्तों यहाँ से आप लोग इसके इमेज साइज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहोगे। तो दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोगों को एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। देन दोस्तों उसके बाद आप लोगों को चाहे तो दोस्तों इसके स्टॉक को आप लोगों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के साथ आप लोग इसके शेडो को भी ऑन कर सकते हैं। जिस ऐसे में आपका थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव दिखेगा। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से, और यहाँ चाहे तो आप लोग और टैग्स लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ कुछ इस तरीके से करके दोस्तों आप लोग और टैग्स यहाँ लगा सकते हो। दोस्तों इसके भी फ़ोन को आप लोगों को चेंज कर लेना है। यहाँ पर जा करके आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग स्टॉक पे जा कर के यहाँ से आप इसमें स्टॉक लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को शेडो को भी ऑन कर लेना है। दोस्तों ये होने के बाद ये देखिए दोस्तों ये जो लाइन है वो थोड़ा गैप में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ लाइन इस पे सिंक पे क्लिक करके आप लोग इसको गैप बना सकते हैं इसके बीच में। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को राइट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसको चाहे आप कहीं भी अपने अकॉर्डिंग दोस्तों इसको आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है। दोस्तों अगर आप लोगों को इमोजी वगैरह या फिर पिक वगैरह लगाना है तो दोस्तों यहां से आप लोगों को लगा सकते हो वो भी। दोस्तों जैसे कि ये शेड अपडेट वाला बता रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ अपने अकॉर्डिंग लगाना है।
कुछ इस तरीके से दोस्त आप लोगों को लगा लेना है। एंड दोस्त यहाँ से भी आप लोगों को स्टोक और शेडो को ऑन कर सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से, आप लोग जो भी चाहे। देखिए दोस्तों आप लोग कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के थंबनेल बन जाने के बाद दोस्तों सिंपली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोगों को सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। दोस्तों सेव एज इमेज करके दोस्तों यहाँ से आप लोग सेव टू गैलरी पे क्लिक करके आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर से बताना एंड दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। साथ में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी जानकारी दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो चलिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।